हमारे नोट से, आप देखो ये हमारे नोट से मेरी माँ खाना लाती थी, मैं ये नोट प्रिपेयर कर रहा था, क्या बात है। और अपना हक लेकर आएंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नेशनल लेवल पे नारा था, आप देखिए हमारी बेटियाँ कहाँ हैं, सड़क पे हैं, रोड पे हैं, तपती धूप में, यही है लैपटॉप और पेन हाथ में दे। सुशन पढ़ा ही नहीं, जैसे हमने हिस्ट्री में मॉडर्निज्म और एक्सट्रीमिस्ट का वो फेस देखा ही नहीं, जैसे हमने गांधी को पढ़ा नहीं, जैसे हमने बाल गंगाधर तिलक बाल पाल को पढ़ा ही नहीं, जैसे हम सीधे स्कैम करके आए हैं। अरे भाई हम भाई जो फ्रेशर्स हैं जो ने कम्पलीशन अब रिसेंटली कम्प्लीट ग्रेजुएशन की है, या जो ड्रॉपर्स हैं जो आज पढ़ रहे हैं घर में एसी रूम में फैन के सामने, मेरे भाइयों हम भी पढ़ रहे थे 2 साल पहले एसी रूम में, हम भी पढ़ रहे थे फैन के सामने, हमारी माँ भी खाना लाती थी हमारे रूमों में, हम भी पढ़ते थे, लेकिन वल्ला अगर आज नहीं निकलोगे ना, ये स्क्रैप इनने फुल स्टॉप बनाया है, कल आपके लिस्ट को भी इतनी मेहनत करके कल आपके लिस्ट को भी स्क्रैप कर दिया जाएगा, फिर आपके साथ उस वक्त कोई नहीं होगा, लेकिन सुनो आज हमारा सपोर्ट चाहिए, हमको आपका सपोर्ट चाहिए, हम यहाँ पे हक के लिए आए हैं। ये स्क्रैप पॉलिसी उनने चलाई है JKPSI को लेकर, सीधे स्क्रैप बनाया और कोई वो नहीं, कोई कल्प्रिट अभी तक सामने नहीं आया। हम चाहते हैं गवर्नर साहब से एश्योरेंस चाहते हैं, 7 दिन से दबती धूप में यहाँ पे हम खड़े हैं, हमारा यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऑफिसर नहीं आया हालचाल पूछे, जैसे हम सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं, जैसे हमने पता है हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे फेथ है, फेथ की वजह से ही अभी तक पीसफुल है, फेथ नहीं होता शायद हम रोड पे निकल चुके होते, हमें फेथ ही है एडमिनिस्ट्रेशन पे, हमें फेथ है LG साहब से पूरे ऑप्शंस पे कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमारा जो हम जो चाहते हैं पीरियड जो चाहते हैं उनका वो जल्दी आए हमारे हक में, कि जो एस्पिरेंट से जो अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। एक शाम का एक पीरियड आएगा, छोटा सा सेंटेंस है, कल से आप हमें यहाँ पे कोई नहीं देखेगा। मेरा लास्ट सवाल आपसे एक रहेगा, जैसे पेन और लैपटॉप की बात कुछ सालों पहले जी सर, क्या पेन और लैपटॉप अगर आप देखेंगे तो वो कहने की बात हो रही है और ग्राउंड लेवल पे और कुछ होता है। हमें सात दिन हम पीसफुल रहे, आपने भी देखा, सबने देखा, पूरे जम्मू कश्मीर ने इंडिया ने देखा, हम 7 दिन से पीसफुल है, कोई रिएक्शन नहीं आया, शायद हमें रोड पे निकलना होगा फिर ये सुनेगी हमारी बात। इनोसेंट एस्पिरेंट्स को पनिश करेंगे या कल्प्रिट्स को पनिश करेंगे या उन ऑफिसर्स को जो इसमें इन्वॉल्व हुए, हमें उसका कुछ समझ में नहीं आया। हम फिर से रोड पे इसलिए आए, हमें वो क्लियरिटी चाहे, पहले हमें एश्योरेंस चाहिए गवर्नर साहब की तरफ से कि आप लोग जो मेहनत करके आए यहाँ पे उनके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा, तो उसी वादे से जो उन्होंने आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया है, हमारे वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में शोपियां डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टर छपाए गए थे जब एब्रोगेट आर्टिकल हुआ कि ये फ़ायदा आएगा, यूथ ऐसा जाएगा आगे, फास्ट रिक्रूटमेंट होगा, ऐसा ऐसा फ़ायदा आएगा, तो हम भी उसी पोस्टर को देख के वही वादों को देख के हमने फार्म भरा, 3 साल भरपूर मेहनत करके, माँ बाप की दुआएं उनका खून पसीना एक करके हम मेहनत करके सिलेक्शन लिस्ट अपना नाम पा लिया सिलेक्शन लिस्ट में, लेकिन अगर पता होता हम तब की धूप में सड़ेंगे 7 दिन से अपनी बहनों को लेकर, शायद हम LG साहब ये दिन रही। दूसरी बात जो बंद करो।